साथियों नमस्कार, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल पर। सेल बायोलॉजी जो पढ़ रहे थे उसके अंतर्गत अपन ने प्लास्टिड डबल मेम्ब्रेन सेल ऑर्गेनेल को पढ़ लिया था और अपन ने देखा था कि दोहरी झिल्लीयुक्त कोशिकांग दो होते हैं, एक का नाम प्लास्टिड था और दूसरे का नाम माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया को आज पढ़ेंगे, वैकेंसी जल्दी आने वाली है, आप ऐसा समझ के चलें कि जल्दी ही आ जाएगी, तो आप उसके हिसाब से तैयारी को जारी रखें क्योंकि जितना लेट करेंगे उतना ही आपके लिए फिर सिलेबस कवर करना मुश्किल हो जाएगा। सिलेबस को कवर कीजिए, लाइव क्लास भी ले लेंगे अगर जरूरत पड़ी तो, लेकिन लाइव क्लास के जितनी अभी संख्या है नहीं चैनल पर, इतने बच्चे अभी हैं नहीं, जुड़े हुए नहीं हैं, तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं, अभी करीबन करीबन 20% ऐसे कैंडिडेट हैं, मैंने देखा था ऑब्जर्वेशन, 20% ऐसे हैं जिन्होंने सब्सक्राइब ही नहीं कर रखा, देखते जरूर हैं, तो ये हमारे रिकॉर्ड में आता है कि 20% बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया और देख रहे हैं। तो यार देख रहे हो तो सब्सक्राइब करने में कहाँ समस्या आती है, इजीली सब्सक्राइब कर सकते हो, उसमें तो कुछ लगना नहीं है, आपको ठीक लगता है तो, रेगुलर देख भी रहे हो सब्सक्राइब नहीं कर रहे हो तो बात ठीक नहीं है। हाँ, लाइक करना डिसलाइक करना वो आपकी मर्जी है, जैसा आपको मैटर ठीक लगे लाइक कर दीजिए, नहीं लगे डिसलाइक कर दीजिए, वो कोई दिक्कत नहीं है, पर सब्सक्राइब करने में कुछ नहीं लगता, कुछ शेयर भी कर दीजिए, लोगों के पास जाएगा जितना चैनल उतना ही थोड़ा पॉपुलर होगा, थोड़ा मोटिवेशन मिलेगा और संख्या बढ़ेगी तो लाइव को पढ़ाने में आनंद आएगा। दो बच्चे, पांच बच्चों, दस बच्चों को लाइव पढ़ा नहीं सकते क्योंकि वो फिर कंटिन्यूटी नहीं बनती है। तो देखिए, माइटोकॉन्ड्रिया पढ़ते हैं, सूत्र कणिका पढ़ते हैं, सरल सा टॉपिक है, सिंपल सा टॉपिक है, मैं बहुत कम समय में इसको समेट दूंगा, आप बस ध्यान से सुनते रहें। इसमें टॉपिक में अपन थोड़ी सी इसकी जानकारी पढ़ेंगे, किसने क्या किस तरह से खोज करी, चित्र के सहित इसकी संरचना पढ़ेंगे और संरचना के साथ में इसके काम क्या है वो पढ़ेंगे, देखना। सबसे पहले सर्वप्रथम बात करें तो सबसे पहले जो कीटों की इंसेक्ट है, कीटों की रेखित पेशी के अंदर पेशी का एक प्रकार है, पेशी में पढ़ेंगे अब, रेखित पेशी के अंदर कोलिकर ने इनको देखा। फ्लेमिंग नाम के वैज्ञानिक ने इनको और कुछ नहीं कहा, केवल क्या कहा कि ये फाइलिया है स्ट्रक्चर। उसके बाद में आर एल्टमान नाम का वैज्ञानिक आया और आर एल्टमान ने क्या कहा कि ये स्ट्रक्चर बायोप्लास्ट कहलाती है। और एक तरीके से खोज का श्रेय, इस सेल ऑर्गेनेल को खोज करने का श्रेय इन दोनों को ही दिया जाता है, तो खोजकर्ता भी यही माने जाते हैं एक तरीके से। लेकिन यहां तक आते आते भी माइटोकॉन्ड्रिया नाम नहीं आया, माइटोकॉन्ड्रिया नाम किसने दिया, सी बेंडा, तो बेंडा ने क्या दिया, माइटोकॉन्ड्रिया नाम दिया। तो माइटोकॉन्ड्रिया की एक झिल्ली होती है जो इनर मेम्ब्रेन होती है, वो फोल्ड होती है, बेंड सी रहती है, तो आप उस तरह से याद कर लेना कि मैन कौन है यहां पर, माइटोकॉन्ड्रिया शब्द देने वाला या माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में बताने वाला, माइटोकॉन्ड्रिया को ही बताने वाला बेंडा है यहां पर। इसने इसका एक नाम और रखा, नाम क्या रखा, कॉन्ड्रियोसोम, क्या रखा, कॉन्ड्रियोसोम। और माइटोकॉन्ड्रिया जो शब्द है वो दो चीजों से मिलकर बनता है, एक का मतलब होता है धागा थ्रेड और कॉन्ड्रियम का मतलब कणिका, ऐसे धागे नुमा से संरचना जिसके ऊपर छोटे छोटे ग्रेन्यूल्स पाए जाते हैं, ये जो संरचनाएं होती हैं इनको कहा गया माइटोकॉन्ड्रिया कोशिका का शक्तिग्रह। इतना करने के बाद किसी ने विश करी, किसी ने ऐसी उम्मीद करी कि ये प्लांट में भी दिख जाए, तो प्लांट में जो माइटोकॉन्ड्रिया को सर्वप्रथम देखने वाला वैज्ञानिक है उस वैज्ञानिक का नाम है मिविस। इसको कैसे याद करोगे कि सब में दिख गया, प्लांट में नहीं दिख रहा, ऐसी विश करी किसी ने, ऐसी उम्मीद करी, प्रार्थना करी कि विश करी कि माइटोकॉन्ड्रिया प्लांट में भी दिख जाए, तो माइटोकॉन्ड्रिया को प्लांट में देखने वाले वैज्ञानिक का नाम क्या है, मिविस है। तो प्लांट में मिविस है, रेखा के ऊपर, बाउंड्री के ऊपर क्रिकेट खेलते हैं तो बाउंड्री के ऊपर खड़ा है कौन, कोहली भाई साहब है ना, क्रिकेटर कोहली है, वो कहां खड़े हैं, रेखित पेशी रेखा के ऊपर खड़े हैं, ऐसे याद रह जाएगा कोहलीकर। फ्लेमिंग से याद रह जाएगा, फे से फे याद रह जाएगा, फ्लेमिंग ने फाइलिया नाम दिया, अल्टमान पहले आ गया था, ठीक है, क्या है, बायोप्लास्ट, और इन दोनों को खोजकर्ता के रूप में, और बैंड पड़े हैं इसके अंदर घुमाव है, इसलिए इसको क्या कह दिया, माइटोकॉन्ड्रिया या कॉन्ड्रियोसोम भी कहा गया। सरल सी अगर इसकी संरचना की बात करें देखो तो ये एक प्रकार से अंडाकार ओवल शेप लगभग ज्यादातर मिलता है, ये इसकी आउटर मेम्ब्रेन है और इसकी जो इनर मेम्ब्रेन है वो जगह जगह पर फोल्ड हो रखी होती है। ऐसे स्ट्रक्चर आपको अगर याद है तो आपने थोड़ा बहुत वहां भी देखा होगा, कहां, जब आपने क्या पढ़ा था, मोनेरा पढ़ा था और बैक्टीरिया की सेल है उसमें भी देखा था कि कुछ जो भाग है वो अंदर की साइड में फोल्ड हो रखा होता है इनर मेम्ब्रेन का, और उसको वहां पर मिजोसोम नाम दिया गया था।
तो ये इसकी आउटर मेम्ब्रेन, थोड़ा सा देखो इसका आउट डायग्राम देखो, आउटर मेम्ब्रेन, ये इसकी इनर मेम्ब्रेन, ये इसका आउटर चैम्बर, ये इसका इनर चैम्बर। इनर चैम्बर के अंदर जो तरल पदार्थ भरा हुआ है वो मैट्रिक्स, आउटर मेम्ब्रेन और इनर मेम्ब्रेन के बीच का स्थान इंटर माइटो, इंटर माइटो नहीं बोलेंगे, पेरीमाइटो, पेरीमाइटोकॉन्ड्रियल, पेरीमाइटोकॉन्ड्रियल स्पेस, ठीक है जी। इसका खुद के यहां पर क्या प्रेजेंट है, खुद के राइबोसोम, खुद का आरएनए, खुद का सर्कुलर नेक्ड क्या डीएनए, खुद का डीएनए, खुद का आरएनए और खुद का ही राइबोसोम इसके अंदर प्रेजेंट है। ये जो फोल्ड वाली स्ट्रक्चर है इसका नाम क्या रखा, इसका नाम रखा क्रिस्टी, और क्रिस्टी है उसके ऊपर ऐसे ऐसे छोटे छोटे पार्टिकल नुमा स्ट्रक्चर पाई जाती है जिनको क्या कहा गया, F1 पार्टिकल, F1 पार्टिकल। ये छोटी छोटी संरचनाएं आपको एक बार थोड़े रूप में याद रखनी है। मतलब क्या है कि डबल मेम्ब्रेन युक्त इस कोशिकांग के अंदर जो मैट्रिक्स बड़ा पड़ा है उसके अंदर डीएनए है, आरएनए है, उसके अंदर एंजाइम्स है, उसके अंदर वाटर है ना, उसके अंदर आपके राइबोसोम हैं, और उनके साथ साथ में जो इनर फोल्डिंग स्ट्रक्चर है उस फोल्डिंग स्ट्रक्चर के ऊपर जो संरचना बनती है उसका नाम क्रिस्टी है, और क्रिस्टी के ऊपर पार्टिकल नुमा संरचना पाई जाती है जिसे F1 पार्टिकल कहा जाता है। ये इतनी सी संरचना किसकी है, ये है आपकी माइटोकॉन्ड्रिया के एक ओवरव्यू टाइप स्ट्रक्चर। ये जो मेम्ब्रेन है समझ लीजिए आउटर मेम्ब्रेन, और ये जो बन गई वो बन गई इनर मेम्ब्रेन, ये तो इनर, ये आउटर, ये आउटर चेंबर और ये इनर चेंबर। और ये जो स्ट्रक्चर निकल के आती है इस स्ट्रक्चर का नाम क्या है, इसका नाम है क्रिस्टी। इस क्रिस्टी स्ट्रक्चर के ऊपर, इस क्रिस्टी स्ट्रक्चर के ऊपर स्ट्रक्चर पाई जाती हैं ऐसी, इस प्रकार की स्ट्रक्चर पाई जाती हैं क्रिस्टी के ऊपर, इस प्रकार की स्ट्रक्चर पाई जाती हैं, इनका नाम है क्या, F1 पार्टिकल। ये जो स्पेस है ये बीच का स्थान जो खाली स्थान बच रहा है उसको बोलेंगे इंट्रा क्रिस्टियल, क्रिस्टी के हिसाब से स्पेस। अब देखो इसके बारे में थोड़ा और भी बताता हूं आपको। प्रोकैरियोटिक सेल है, प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर सामान्यतः ये क्या होती हैं, एब्सेंट होती हैं। इनकी संख्या की बात करें माइटोकॉन्ड्रिया की तो 1 से लेकर 50 से लेकर ऐसा समझ लो कि 5 लाख भी कई कई बार मिलता है, ये रेयर केस में है, पर तो एक संख्या भी हो सकती है, 50 संख्या भी हो सकती है, 5 हजार भी हो सकती है और 5 लाख भी हो सकती है। ऐसा इसकी संख्या उस सेल की कितने की एक्टिविटी है और कितना वो एक्टिव एनर्जी युक्त कंटेंट है उसके अंदर, इसके हिसाब पर डिपेंड करती है। स्ट्रक्चर की बात करें तो स्ट्रक्चर में आप ऐसा समझ लो, देखो डबल मेम्ब्रेन जो स्ट्रक्चर है उस डबल मेम्ब्रेन के अंदर एक मेम्ब्रेन हो गई क्या, आउटर, और एक मेम्ब्रेन क्या हो गई, इनर। मैं उसकी डिटेल बता रहा हूं आपको। इस आउटर मेम्ब्रेन और इनर मेम्ब्रेन के बीच का स्थान है उस स्थान का नाम क्या हो गया, उसका नाम हो गया पेरीमाइटोकॉन्ड्रियल, पेरीमाइटोकॉन्ड्रियल स्पेस, ठीक है। अब जो ये आपकी जो मेम्ब्रेन है ना, जो इनर मेम्ब्रेन है, इनर मेम्ब्रेन की अंदर की साइड की जो फोल्डिंग है, इनर मेम्ब्रेन की जो फोल्डिंग है उस फोल्ड का नाम क्या है, उस फोल्ड का नाम है क्रिस्टी। और इस क्रिस्टी के ऊपर, क्रिस्टी के ऊपर जो टेनिस की रैकेट होती है ना, टेनिस जो खेलते हैं तो टेनिस की जो रैकेट होती है उसके समान संरचना की, टेनिस की रैकेट के समान संरचना पाई जाती है, उस संरचना को कहा जाता है F1 पार्टिकल। क्या कहा जाता है, ये वाले, इनकी संरचना कैसी होती है, इनकी संरचना इस प्रकार से होती है जैसे टेनिस की रैकेट होती है ना, उस प्रकार की इसकी स्ट्रक्चर है। इस स्ट्रक्चर के 3 भाग हैं, इस भाग को क्या बोलेंगे, आधार, स्ट्रोक,
इसको वृंत बोलेंगे, बेस स्टॉक, और ये क्या है, ये सिर हेड। आधार, वृंत और सिर, इसके तीन भाग हो गए, किसके हो गए, एफ वन पार्टिकल के। इसका दूसरा नाम क्या है, इसका दूसरा नाम है ऑक्सीसोम, क्योंकि श्वसनीय क्रियाएं यही होंगी सारी। इसको एक नाम और बोलते हैं, नाम क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं प्राथमिक कणिका, प्राइमरी ग्रेन्यूल। तो एफ वन पार्टिकल बोल दो, ऑक्सीसोम बोल दो, चाहे प्राथमिक कणिका बोल दो, सब एक ही नाम है, तीन भाग है, सिर, वृंत और आधार। और ऐसी बहुत सारी संरचनाएं कहां लगी होती हैं, क्रिस्टी पर। क्रिस्टी किस क्या है, इनर मेम्ब्रेन का फोल्ड। इनर मेम्ब्रेन का मतलब एक मेम्ब्रेन और होगी, उसका नाम है आउटर मेम्ब्रेन। इसीलिए दो मेम्ब्रेन के होने के कारण से ही माइटोकॉन्ड्रिया को दोहरी झिल्ली युक्त कोशिकांग कहा जाता है। ये जो एफ वन है, इस एफ वन के अंदर मुख्यतया क्या पाए जाएंगे, मुख्यतः मिलेंगे आपके फोस्फोलिपिड, है ना। इसके अंदर क्या मिलेंगे, फोस्फोलिपिड प्लस प्रोटीन यहां पर पाए जाएंगे। फोस्फोलिपिड प्लस प्रोटीन युक्त संरचनाएं इसके अंदर मुख्यतः पाई जाती हैं। प्लस एक याद रखने वाली बात है, इस एफ वन पार्टिकल के ऊपर क्या प्रेजेंट होते हैं, एटीपी सिंथेटेज, एटीपी सिंथेटाइज एंजाइम माइटोकॉन्ड्रिया में कहां पाए जाते हैं, आपका आंसर होना चाहिए एफ वन पार्टिकल पर होते हैं। और इनका दूसरा नाम भी क्या है, ये प्रक्रिया क्या करते हैं, ये करते हैं ऑक्सीडेटिव फोस्फोराइलेशन की प्रक्रिया भी इन्हीं के द्वारा की जाती है। तो ये समझ लो, ये काम होता है वो भी एफ वन पार्टिकल पर होता है, और एटीपी सिंथेटाइज एंजाइम है वो भी यहीं पाए जाते हैं। ये दोनों काम एक तरीके से कहां मिलेंगे, आपके एफ वन पार्टिकल पर मिलेंगे। पूछा जाए ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन प्रक्रिया क्या होती है, तो देखो सब जगह एनर्जी कंटेंट के रूप में एटीपी नहीं बनता, कई जगह एनएडीपीएस2 बनता है, कई जगह एफएडीपीएस2 बनता है, कई जगह एफएडीएस2 बनता है। तो उन सबको एटीपी में कन्वर्ट करने की प्रक्रिया का नाम क्या है, ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन। और ये कहां पर होगा, ये एफ वन पार्टिकल पर होगा। क्यों होगा, क्योंकि एटीपी बनाने वाले एंजाइम कहां पाए जाते हैं, एफ वन पार्टिकल के ऊपर ही पाए जाते हैं। तो ये बात आ गई किसकी, एफ वन पार्टिकल की। अब और बात करें भाई, इसके अलावा क्या चीज प्रेजेंट है, इसके अलावा जो अंदर का भाग बच गया माइटोकॉन्ड्रिया में, अंदर का जो भाग बच गया, उस अंदर के भाग का नाम क्या है, अंदर का भाग कहलाता है मैट्रिक्स। अब इस मैट्रिक्स में क्या है, मैट्रिक्स के अंदर आपको क्या मिलेगा, डीएनए। मैट्रिक्स के अंदर क्या मिलेगा, आरएनए मिलेगा। मैट्रिक्स के अंदर क्या मिलेगा, 70S राइबोसोम मिलेगा, ठीक है। मैट्रिक्स के अंदर क्या मिलेगा, जल मिलेगा। इसके अंदर कुछ साल्ट की मात्रा मिलेगी और इसेंशियल एंजाइम मिलेंगे। कौन से इसेंशियल एंजाइम मिलेंगे, वो मिलेंगे जो किस क्रिया को करवाएंगे, क्रेब साइकिल को कराएंगे। क्योंकि क्रेब साइकिल कहां संपन्न होता है, ग्लाइकोलाइसिस और क्रेब साइकिल दो प्रक्रिया आपको याद होंगी। तो क्रेब साइकिल कहां संपन्न होता है, माइटोकॉन्ड्रिया में संपन्न होता है। और माइटोकॉन्ड्रिया में क्रेब साइकिल को करवाने से संबंधित एंजाइम कहां पाए जाते हैं, वो इसके मैट्रिक्स में पाए जाते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया का जो डीएनए है, माइटोकॉन्ड्रिया का डीएनए होगा आपका सर्कुलर, ये याद रखने वाली बात है। माइटोकॉन्ड्रिया का डीएनए सर्कुलर, उसके साथ में डीएनए और कैसा, डीएनए सर्कुलर के साथ में कैसा मिलेगा, नेक्ट मिलेगा। और इस डीएनए के अंदर आपके जी प्लस सी की मात्रा ज्यादा होगी, ए और टी की मात्रा क्या होगी, कम होगी। ये इस डीएनए की खास बात है। इनके कारण से इतनी सारी चीजें यहां पर उपस्थित हैं, इसी कारण से जो माइटोकॉन्ड्रिया है उसको क्या कहा जाता है, सेमी ऑटोनोमस ऑर्गन कहा जाता है। मतलब अर्ध स्वायत्त शासी अंग, अपने कुछ काम खुद कर लेता है, लेकिन ये काम तभी कर पाता है जब ये सेल के अंदर है। सेल के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया तब अपने काम कर पाता है। अगर इसको स्वतंत्र कर दिया जाए, बाहर निकाल दिया जाए, तब ये काम नहीं कर सकता। इसलिए इसको क्या कहा जाता है, अर्ध स्वायत्तशासी अंग है, आधा स्वायत्तशासी अंग कहा जाता है। अब इसके अंदर जो प्रोटीन और फॉस्फोलिपिड मैंने बताया था कि इसके अंदर दो चीजें पाई जाएंगी, प्रोटीन और फॉस्फोलिपिड की मात्रा, तो लगभग इसको भी नोट कर लीजिए कि 65-70% यहां पर प्रोटीन है और बाकी किसकी मात्रा है, बाकी है क्या, फॉस्फोलिपिड है 25-30% के आसपास, और बची हुई स्ट्रक्चर क्या है, वो डीएनए और आरएनए प्रेजेंट है। फंक्शन की बात करें, अगला पॉइंट लें इसके अंदर कि इसके काम क्या है, माइटोकॉन्ड्रिया काम क्या करता है, तो बहुत बढ़िया क्वेश्चन बनते हैं यहां पर, कईयों को पता भी होंगे कई काम। सबसे पहले तो इसको क्या बोलते हैं, अपनी सेल का क्या बोलते हैं, पावर हाउस बोलते हैं।
कोशिका का शक्तिग्रह कहा जाता है, क्योंकि शक्ति का मतलब ऊर्जा है यहाँ पर, और ऊर्जा है एटीपी के रूप में संचित रहती है और वो इसी के अंदर रहती है। इसलिए कोशिका का शक्तिग्रह किसको कहा जाता है? माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है। क्यों कहा जाता है भाई? क्योंकि ये किसका स्टोरेज करता है? एटीपी का स्टोरेज। तो कोई पूछे कि अपने सेल के अंदर एटीपी स्टोरेज कौन सा ऑर्गेनल है, आपका नाम आ जाना चाहिए माइटोकॉन्ड्रिया। जब जरूरत पड़ती है ना तो इसी एटीपी को ये किसमें तोड़ देगा? एडीपी प्लस पाइरूफॉस्फेट इनऑर्गेनिक फॉस्फेट के अंदर तोड़ देगा। नहीं जरूरत पड़ेगी तो एटीपी फिर स्टोरेज होते जाएंगे। अब ये एटीपी की मात्रा, एटीपी आए कहां से? एक चक्कर होता है जिसका नाम है क्रेब साइकिल, उसके द्वारा उसको क्या मिले? एटीपी मिले। क्रेब साइकिल से क्या मिल गए? एटीपी। ग्लाइकोलाइसिस से भी एटीपी मिलते हैं, परंतु वो सारे के सारे स्टोर कहां हो गए? माइटोकॉन्ड्रिया में स्टोर हो गए। तो क्या सभी जगह एटीपी मिलते हैं? ना जी ना, बहुत सारी जगह क्या मिलेंगे? एनएडीपीएच2 भी मिलेंगे। उस प्रक्रिया के दौरान आपको क्या मिलेंगे? एनएडीएच2 भी मिलेंगे। उस प्रक्रिया के दौरान आपको एफएडीएच2 भी मिलेंगे। तो क्या इनको एटीपी में कन्वर्ट करना जरूरी नहीं है? बिल्कुल है। और ये एटीपी में कन्वर्ट करने की प्रक्रिया का नाम क्या है? उसी प्रक्रिया का नाम है ऑक्सीफोस्फोराइलेशन। इस ऑक्सीफोस्फोराइलेशन की प्रक्रिया भी कहां होती है? आप याद रख लेना, माइटोकॉन्ड्रिया में। ये अगला फंक्शन हो गया इसका, ऑक्सीफोस्फोराइलेशन की प्रक्रिया माइटोकॉन्ड्रिया में होती है, ठीक है। और एक प्रक्रिया का नाम है जिसको बोलते हैं फोटो रेस्पिरेशन, प्रकाश श्वसन। फोटो रेस्पिरेशन की प्रक्रिया में तीन सेल ऑर्गेनल काम करते हैं। एक आपका क्या? क्लोरोप्लास्ट, हरित लवक। एक आपका क्या? माइटोकॉन्ड्रिया, है ना। और एक क्या आपके, एक हो गया कौन सा? माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, क्लोरोप्लास्ट हो गया, और एक खुद परोक्सीसोम। ये तीन प्रक्रिया काम करती हैं फोटो रेस्पिरेशन के अंदर। तो इसलिए माइटोकॉन्ड्रिया फोटो रेस्पिरेशन में भी सहायक सेल ऑर्गेनल है। इसी प्रकार से जो प्रक्रिया होती है ना ऊजेनेसिस, ऊजेनेसिस की प्रक्रिया में जो योग प्लेटलेट्स होते हैं उनके अंदर भी आपके किसकी मात्रा ज्यादा है? ये माइटोकॉन्ड्रिया खूब ज्यादा मात्रा में यहां पर है, इस प्रक्रिया में भी काम आते हैं ये वाली। तो ये सब काम हो गए किसके? माइटोकॉन्ड्रिया के। अब एक सवाल आता है कि माइटोकॉन्ड्रिया क्लोरोप्लास्ट आपने जब दोनों पढ़ लिए, तो पढ़ने के बाद में इन सेल ऑर्गेनल्स के पास में इतनी सारी खुद की चीजें हैं, तो इनको अभी अपन सेमी ऑटोनोमस ऑर्गन कहते हैं, तो क्या कोई और समानता है क्या इनमें? तो आपको अगर माइटोकॉन्ड्रिया, है ना, और क्लोरोप्लास्ट की बात पूछी जाए तो क्या कहा जा सकता है? ऐसा कहा जा सकता है देखो कि माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट कभी किसी समय में, कभी किसी जमाने में स्वतंत्र रूप से विकसित हुए होंगे ये, क्योंकि इनके पास देखो खुद का क्या है? डीएनए है, खुद का आरएनए है, खुद का राइबोसोम है। तो कभी कभी स्वतंत्र रूप से इनका ओरिजिन हुआ होगा, और धीरे धीरे करके ये धीरे धीरे क्या होते गए कि जो प्लांट और एनिमल हैं, प्लांट और एनिमल हैं, उन एनिमल में इनके क्या बन गए? सहजीवी संबंध बन गए, सिम्बायोसिस की प्रक्रिया हो गई, और धीरे धीरे ये प्लांट और एनिमल सेल के अंदर जाते रहे। तो ऐसा कह सकते हैं कि ऐसी प्रक्रिया में ऐसा भी कहा जा सकता है कि सेल के अंदर सेल, सेल में सेल की स्ट्रक्चर किसके लिए प्रयुक्त कर सकते हैं? अपन माइटोकॉन्ड्रिया। और इसके लिए किसके लिए यूज कर सकते हैं? क्लोरोप्लास्ट की, कोशिका के अंदर कोशिका, भाई कोशिका है ही अपने आप में, और इतने सारी चीजें युक्त कोई चीज है तो उसको भी एक तरीके से ऐसा ही बोल दो, सेल ऑर्गेनल के बजाय सेल ही कहा जाए तो भी कोई बड़ी बात नहीं होगी, पर ऐसा बोलते हैं कि माइटोकॉन्ड्रिया क्लोरोप्लास्ट इस प्रकार से ओरिजिन धीरे धीरे हुए होंगे। ये इसके फंक्शन से संबंधित और इसकी ओरिजिनिटी से संबंधित क्वेश्चन हो गए। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।